नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुब्रत कुमार दे है और मैं धनबाद में इंग्लिश क्लासेस नाम का एक कोचिंग चलाता हूँ। मैं इस प्रोफेशन में पिछले 20 साल से हूँ और मैं ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट के बारे में अपना कोचिंग देता हूँ। आज आप लोगों के सामने मैं अपना पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो ग्रामर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिनका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या जिसको हम लोग सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेक्स किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो कॉमन एरर का जो क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी लेसन से पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि जब किसी भी सेंटेंस में हम लोग वर्ब का यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। अब इसको वर्ब को हम लोग देखते हैं कि वर्ब को दो तरीके से बांटा जाता है। वर्ब को दो प्रकार होता है, पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हमारा होता है कौन सा, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में और इसका और कैटेगरी हम ले रहे हैं कौन सा, प्लूरल में। हेल्पिंग वर्ब में तीन आते हैं, इज, वाज और कौन सा, हैज। इज वाज हैज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इज का, आर, वाज का, वेयर और हैज का क्या हो गया, हैव। ये हमारा क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इज वाज हैज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, आर वेयर हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब आते हैं हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब को गौर कीजिए तो गो, ये हमारा प्लूरल मेन वर्ब है और गोस ये हमारा सिंगुलर मेन वर्ब है। जैसे रीड प्लूरल, रीड्स सिंगुलर मेन वर्ब, ट्राई ट्राइज। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, तो कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि मेन वर्ब के साथ जब हम लोग एस, ईएस और क्या आईएस ऐड करते हैं तो वो हमारा कौन सा बनता है, वो हमारा बनता है सिंगुलर मेन वर्ब। और जहाँ पर एस, ईएस, आईएस का जिक्र ना हो तो वो क्या होता है, प्लूरल मेन वर्ब। यहाँ हमारा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे मैंगो, मैंगोज, जैसे चेयर, चेयर्स, फ्लाई, फ्लाइज, मक्खी, मक्खियां। अब यहां पर गौर कीजिए, ईएस, एस और क्या आईएस, ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्लूरल। तो एक जगह हम लोग ईएस, एस, आईएस जोड़ रहे हैं तो प्लूरल बोल रहे हैं और एक जगह ईएस, आईएस और एस जोड़ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, सिंगुलर कह रहे हैं। अब गौर कीजिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्लूरल नाउन और ये हमारा क्या है, सिंगुलर मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के साथ जब एस, ईएस, आईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन जब किसी नाउन के साथ ए सी एस आई एस जोड़ते हैं तो प्लूरल होता है। पॉइंट सुनिए, जब भी किसी मेन वर्ब के साथ ए सी एस आई एस जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, सिंगुलर, और जब किसी भी नाउन के साथ ए सी एस आई एस जोड़ते हैं तो वो नाउन हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल। कॉन्सेप्ट क्या निकल का है कि नाउन के साथ एस ई एस आई एस जोड़ने से वो नाउन हमारा क्या होता है, प्लूरल। लेकिन वर्ब के साथ जब एस ई एस आई एस जोड़ते हैं तो वो वर्ब हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर। इस चीज को ध्यान में रखना। तो हम लोग यहाँ पर वर्ब को ध्यान में रखेंगे, कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। जब भी किसी मेन वर्ब के अंत में एस ई एस आई एस हो तो वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। क्लियर। अब आगे हमारा पॉइंट देखिए, पॉइंट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब होगा सिंगुलर,
सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। एग्जांपल में देखिए, जैसे रिया डैश ए सॉन्ग, हम ले रहे हैं सिंग एंड सिंग्स। रिया, रिया हमारा सब्जेक्ट है, इसमें है सिंगुलर, रिया वन गर्ल, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? सिंगुलर। वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। तो हमारा यहाँ क्या बैठेगा? सिंग नहीं, क्या हो जाएगा? सिंग्स। अब हम कह रहे हैं रिया एंड गीता डैश ए सॉन्ग, अब बताइए सिंग होगा कि सिंग्स होगा? अब हमारा सब्जेक्ट देखिए, अब रिया नहीं है, रिया एंड गीता, तो सब्जेक्ट हमारा क्या निकल के आया? सब्जेक्ट आया प्लूरल, तो वर्ब हमारा क्या होगा? प्लूरल। और प्लूरल वर्ब मतलब सिंग। तो पॉइंट क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड फर्स्ट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड विथ ऑफ, अगर दो नाउन हमारा कनेक्टेड रहे किससे? ऑफ से, देन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द फर्स्ट नाउन। इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड विथ ऑफ, देन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द फर्स्ट नाउन। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द फर्स्ट नाउन, अगर फर्स्ट नाउन का नंबर सिंगुलर नंबर हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर फर्स्ट नाउन का नंबर प्लूरल नंबर में हो तो हम लोग कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? मतलब सिंगुलर में हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल में हो तो प्लूरल, लेकिन कौन सा? फर्स्ट नाउन, सेकंड नाउन में। एग्जांपल में देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज डैश लेबोरियस, ऑप्शन ले रहे हैं इज और आर। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, फर्स्ट नाउन स्टूडेंट्स, सेकेंड नाउन कॉलेज, कनेक्ट किसमें है? बीच में ऑफ, तो फर्स्ट नाउन किसमें है? प्लूरल नंबर में, एंड सेकेंड नाउन किसमें है? सिंगुलर नंबर में। तो वर्ब किसके अनुसार बैठेगा? फर्स्ट नाउन, और फर्स्ट नाउन हमारा क्या है? प्लूरल। तो अगर सिंगुलर रहता तो सिंगुलर में, लेकिन हमारा क्या है? प्लूरल में, तो कौन सा वर्ब यूज होगा? द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज आर लेबोरियस। टेक अनदर एग्जाम्पल, क्या लिखे? द वाटर ऑफ द रिवर्स डैश पॉल्यूटेड, द वाटर फर्स्ट नाउन एंड सेकेंड रिवर्स, वाटर सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर, एंड रिवर्स इट इज प्लूरल नंबर। वाटर इज सिंगुलर, वाई सिंगुलर? वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, एंड अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो पहला नाउन हमें देखना है, कौन सा नाउन? फर्स्ट नाउन। तो फर्स्ट नाउन हमारा क्या आया? सिंगुलर। सेकेंड नाउन प्लूरल में है, उसके साथ वर्ब का कोई रिलेशन नहीं होता, तो फर्स्ट नाउन हमारा किस में है? सिंगुलर में। तो वर्ब भी हमारा क्या बैठेगा? सिंगुलर। तो सेंटेंस क्या फिलअप होगा? कि द वाटर ऑफ द रिवर्स इज पॉल्यूटेड। क्लियर? तो इट इज द पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ओके, आई होप आप लोगों को कुछ इस कॉन्सेप्ट से कुछ मदद मिलेगी, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।